हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वृषालीज व्लॉग। तो आज ये व्लॉग है अलीबाग पास का काशिद बीच। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा भाई यश और यहाँ पे मम्मी है। देखिए, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहाँ पे? देखिए, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पानी के गड्ढे भरे हुए, और यहाँ पे हम क्रैब मतलब फेकड़ा ढूंढ रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे तो एक फेकड़ा मर चुका है। हम अभी थोड़े थोड़े आगे आगे जाने वाले। मम्मी आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मम्मी हाय कीजिए। आपको यहाँ पे थोड़ी धूप है, इसलिए चेहरे नीट नजर नहीं आ रहे होंगे। चलिए, हम आपको आगे ले जाते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं समंदर पास। देखिए नज़ारा, यहाँ पे बहुत जोर से हवा चल रही है। अभी टाइम हुआ है 3:48, 3:48। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे गड्ढे। कितना सुंदर नजारा है, आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए समंदर का नज़ारा तो कमेंट करके नीचे बता दीजिए। ये तो था स्टोन वाला बीच, तो यहाँ से हम जा रहे हैं जो रेत वाला होता है ना बीच, वहाँ पे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने अच्छे कपड़े कौन पहनता है बीच पर आते समय। तो बात ऐसी हुई कि मैं आई थी एक शादी में, तो उसके नज़दीक ही ये बीच था, तो और कौन चेंज करते बैठता है। इसलिए मैं हमने क्या किया, यहाँ पे बीच पर ऐसे ही घूमने के लिए आ गए वैसे ही कपड़े में। फिर दूसरे दिन हम आए समुंदर में खेलने जैसे, पानी में खेलने जैसे कपड़े डालकर। यह है कुछ फोटोज़ और वीडियोज़, देखिए। फिर हमें पानी पास खेलते खेलते सनसेट भी हो गया, तो मैंने झट से फ़ोटो निकाली। तो यह है फ़ोटो, देखिए कितनी सुंदर आई है ना। फिर इसके बाद हम दूसरे दिन निकले मुरुट जंजीरा किला देखने के लिए, तो मैंने ये बोट में से वीडियो निकाला है।
फिर ये था किले का एंट्री पॉइंट। यहाँ से फिर हम निकले किला देखने के लिए। यहाँ पर ऐसे बोला जाता है इसके पीछे का जो इतिहास है वो ऐसे है कि जो सामने जो खिड़कियाँ दिख रही है ना ये वाली, यहाँ पे कोई भी सिपाही वगैरह ठहरता है तो सामने कोई है वो झट से दिखता है, पर सामने जो है वो हमें देख नहीं पाता। तो यहाँ पर हम किले के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर आ गए। यहाँ से समंदर कितना अच्छा दिख रहा है देखिए आप। ये है किले की ऊपर वाली तो ऐसे कहा जाता है कि ये पंच तत्व से बनी है। और यहाँ पे एक है, दिख रही होगी आपको, ये भी वैसी एक तोप है। यहाँ पे इस किले पे तीन सबसे बड़ी तोप है। ये जो आप देख रहे हैं पहली तोप जिसका नाम है कलाल बांगड़ी, और यहाँ पे ये दूसरी तोप जिसका नाम है गायमुख, क्योंकि इसका गायमुख नाम है क्योंकि इसके सामने गाय का मुख है। और ये तीसरी है जिसका नाम है भवानी तोप। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए गाय का मुख है, गाय मुख तोप है ये तोप का नाम। ये दूसरी वाली मतलब बीच वाली तोप है। फिर यहाँ पे हमें आगे जाना था दिव्यागर गांव में, तो वहाँ पे हम समुद्र के द्वारा मतलब नाव में जहाज में से गाड़ियाँ लेकर, इस नाव में पूरे मिला के 16 गाड़ियाँ बैठती हैं। ये देखिए बाहर पूरा पानी समुद्र है। से वीडियो काट रहे थे तो धूप में तो चेहरे दिख रहे नहीं है, तभी भी मैंने काढ़ा है। तो ये मम्मी है, ये पापा है और ये मेरा भाई है। फिर यहाँ से हम निकले, दिव्यागर नाम का एक गांव है वहाँ पे।
मैंने यहाँ पे हम जिस लॉज में रुके थे उसका भी वीडियो दिखाया है, देखिए। ये हमारी रूम है। ये देखिए अंदर से रूम कैसी है। हमें तो बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे पूरा वुड मतलब लकड़ी से बना हुआ था सभी, तो हमें ऐसे एंटिक पीस वगैरह, वुड का बेड वगैरह सब बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे टूरिस्ट के बैग से। ये है छोटा सा बाथरूम। और यहाँ पे रूम के सामने ही एक गैलरी टाइप है, तो इसके नीचे देखिए मिट्टी वगैरह, लाल मिट्टी वगैरह थी, और सुपारी के और नारियल के झाड़ थे। फिर यहाँ पे एक दिन हमने स्टे किया। फिर उसके बाद हम निकले रायगढ़ की तरफ। यहाँ पर देखिएगा गाइस कितने नारियल के और सुपारी के झाड़ हैं। मुझे पता नहीं आप देखा होगा कि नहीं आपने सुपारी का झाड़। ये देखिए सुपारी के झाड़ है, जो बारीक बारीक फल लटके हुए हैं ना वो सुपारी के हैं। इस झाड़ के नीचे बहुत सारे सुपारी के फल पड़े हुए थे, फिर हमने वो उठाया। ये देखिए हमने घर पे लाए थे। ये कुछ फ़ोटो है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा रायगढ़ का गढ़ दिख रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है ब्लॉग, इसलिए मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपको आगे का ब्लॉग देखना है तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करना।